भारतीय वायुसेना के द्वारा कल रात पीओके में की गई स्ट्राइक के बाद जहां पूरे देश में खुशी का माहौल है, वहीं हमीरपुर में भी आज युवाओं ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए गांधी चौक में पटाखे फोड़े और भारत माता की जय के नारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर युवाओं ने तिरंगे को हाथ में लेकर खूब जश्न मनाया और भारतीय सेना और वायुसेना की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए इसे ठीक कदम बताया। युवाओं का कहना है कि पाकिस्तान पिछले काफी लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देकर हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता आ रहा है और अब समय आ गया था कि इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने इस कार्रवाई को बखूबी अंजाम दिया है और पीओके में एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया भी है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा ने कहा कि ये जो कार्रवाई भारतीय वायुसेना ने की है, ये एक अदम्य साहस का परिचय है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिम्मत और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि भारतीय वायुसेना ने आज पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। पराक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत के आगे आज भले ही मेरे शब्द छोटे हों, लेकिन आज केवल मैं ही नहीं बल्कि आज पूरे देश का हर एक नागरिक बहुत खुश है। आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जाके भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है और आतंकवादियों को और उनके कैंपों को नष्ट किया है। इसके लिए मैं भारतीय सेना को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद की सेना। वही हमीरपुर बीजेबीएम के जिला अध्यक्ष अभय सिंह लवली का कहना है कि पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत का आज भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों के बेस कैंप को तबाह कर अपना बदला ले लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की तरफ से कोई अगर आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख को निकाल दिया जाएगा। अटैक हुआ था तो भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका बदला भारतीय सेना लेगी। भारतीय सेना कब लेगी ये भी भारतीय सेना तय करेगी और भारतीय सेना कहाँ अटैक करेगी आतंकवादियों पे ये भी भारतीय सेना ही तय करेगी। तो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, क्योंकि सेना ने ही अपने सिपाहियों का बदला लिया। और जब हम सब सुबह सो के उठे तो तब तक 300 या 400 के करीब आतंकवादियों को हमारी वायुसेना ने मार गिराया था। इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ तथा अपने प्रधानमंत्री और वायुसेना का कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया।